नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक। खबरों की शुरुआत करने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। मुंगेली में बीजेपी के पूर्व कैबिनेट मंत्री अजय चंद्राकर का कांग्रेसियों ने किया पुतला दहन, किसानों पर की थी अभद्र टिप्पणी, कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जमकर की नारेबाजी। दिल्ली में पंचायत सचिव संगठन ने निकाली बाइक रैली, सीएम के नाम कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन, 16 मार्च से हड़ताल पर हैं पंचायत सचिव संगठन। कवर्धा में फिंगरप्रिंट प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन, फिंगरप्रिंट सिस्टम से अपराधियों पर पुलिस कसेगी नकेल, फिंगरप्रिंट पर दी गई पुलिस को जानकारी। जगदलपुर में संसदीय सचिव के प्रयासों से होगा मेले का आयोजन, मेले के आयोजन के लिए सौंपा गया चेक, मौके पर तमाम अधिकारी रहे मौजूद। रायपुर में इंस्ट्रूमेंटल सिंगिंग एंड डांसिंग शो का आयोजन, वृंदावन हॉल में किया गया आयोजन, आमंत्रित सदस्यों का किया गया स्वागत। खबरों की शुरुआत करेंगे, खबर रायगढ़ से है, जहां बीजेपी जिले के पूर्व अध्यक्ष कापू निवासी राजेश शर्मा के आकस्मिक निधन की खबर मिलने पर पूरे जिले के बीजेपी कार्यकर्ताओं में शोक की लहर है। बता दें कि राजेश शर्मा बीजेपी के निष्ठावान कार्यकर्ता के साथ ही सामाजिक व्यक्ति भी रहे। वहीं बीजेपी जिला अध्यक्ष उमेश अग्रवाल ने इस पर शोक व्यक्त करते हुए उनसे जुड़े हुए सुखद पलों को याद करते हुए उनके निधन को व्यक्तिगत क्षति मानते हुए भगवान से कामना की है कि भगवान उन्हें अपने श्री चरणों में स्थान दे। खबर मुंगेली से है, जहां बीजेपी के पूर्व कैबिनेट मंत्री अजय चंद्राकर की किसानों के ऊपर अशोभनीय टिप्पणी, फिर विवाद खड़ा हो गया है जिससे अब वो घिरते हुए भी नजर आ रहे हैं। बता दें कि इसी को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बस स्टैंड पर अजय चंद्राकर का पुतला दहन कर मुर्दाबाद के नारे लगाए। वहीं इस दौरान वरिष्ठ कांग्रेसियों ने कहा कि सुर्खियों में आने के लिए अजय चंद्राकर बीच बीच में ऐसे विवादित बयान देते रहते हैं, अब उनको समझाना होगा कि छत्तीसगढ़ की जनता अच्छी तरह से बीजेपी की कथनी और करनी में अंतर समझती है। वहीं कहा कि आने वाले चुनावों में जनता बीजेपी को सबक सिखाएगी। खबर करवर्धा से है, जहां कबीरधाम के पुलिस अधीक्षक डॉक्टर लाल उमेद सिंह के निर्देश पर पुराने पुलिस लाइन में स्थित फोर्स एकेडमी के क्लासरूम पर एक दिवसीय फिंगरप्रिंट कार्यशाला का आयोजन किया गया। वहीं कार्यशाला में फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट राकेश नरवरे की तरफ से समस्त थानों से आए विवेचना अधिकारी और जवानों को नेशनल ऑटोमेटिक फिंगरप्रिंट आइडेंटिफिकेशन सिस्टम के संबंध में जानकारी देते हुए बताया गया है कि इस ऑनलाइन सिस्टम के माध्यम से जिले के समस्त थाना चौकी के अपराधियों का फिंगरप्रिंट लेकर ऑनलाइन सिस्टम के माध्यम से एंट्री की जा रही है, जिससे अगर किसी अपराधी की तरफ से किसी अपराध को गठित किया जाता है तो मौके पर उपस्थित फिंगरप्रिंट का मिलान करने पर आरोपी तक जल्द से जल्द पहुंचकर कार्रवाई की जा सकती है। जानकारी के मुताबिक इस दौरान पुलिस ने बड़े बड़े अधिकारी भी यहां मौजूद रहे। खबर मुंगेली से है, जहां छत्तीसगढ़ के 32 जिले के पंचायत सचिव के संगठन ने अपनी एक सूत्रीय मांग को लेकर विशाल बाइक रैली निकाली है। वहीं उन्होंने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नाम कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंपा है। बता दें कि बीते 16 मार्च से पंचायत सचिव ब्लॉक मुख्यालय में काम बंद कर हड़ताल पर बैठे हुए हैं। जानकारी के मुताबिक अभी तक उनकी मांगें पूरी नहीं की गई हैं, जिससे पंचायत सचिव संगठन काफी गुस्से में भी है। जगदलपुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम उपताल में मेले का आयोजन करने के लिए संसदीय सचिव रेखचंद जैन ने आयोजन समिति को 1,00,000 रुपए का चेक सौंपा है। बता दें कि इस दौरान संसदीय सचिव रेखचंद जैन ने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मंशा के अनुरूप और निर्देश पर नरगरनार स्टील प्लांट की तरफ से प्रभावित क्षेत्रों के ग्राम पंचायतों में मेला, मंडई और खेल आयोजनों के लिए राशि प्रदान की गई है। हमारी सरकार आदिवासी संस्कृति के संरक्षण के लिए लगातार काम कर रही है।
धार जिले के सरदारपुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक प्रताप ग्रेवाल का जन्मदिन बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर धार जिले के कांग्रेस के सभी विधायकों, पूर्व मंत्री ने प्रताप ग्रेवाल को उनके जन्मदिन पर लंबी उम्र की कामना करते हुए उनकी उन्नति के लिए ईश्वर से प्रार्थना की है। आपको बता दें कि यह जन्मदिन खेल परिसर सरदारपुर में मनाया गया था, जो सुबह से लेकर देर रात तक चलता रहा। हमारे आदरणीय विधायक जी का जन्मदिन बहुत ही उत्साह से मना है, क्योंकि ये सभी धर्मों को लेकर चलते हैं और हमेशा ऐसे ही रहे और विधानसभा में भी आगे बहुत उन्नति करे और आगे विधानसभा में अच्छे परिणाम साबित हो। हमारे आदरणीय विधायक साहब की उम्र तो बहुत होगी, क्योंकि बहुत लोगों की दुआएं हैं उन पर। वो हमारे सरदारपुर नगर के लिए हमेशा अच्छे ही काम करते हैं और आगे भी ऐसे ही अच्छे काम करेंगे। अब खबर रायपुर से है, जहां हार्प सिंफनी 2023 का कार्यक्रम वृंदावन हॉल में किया गया था। इस कार्यक्रम में पद्मश्री मदन चौहान मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे और अतिथि के रूप में पत्रिका के जीएम सुरेंद्र मिश्रा, संपादक राजेश लाहोटी सहित डॉक्टर तृप्ति अग्रवाल, प्राचार्य रुंगटा इंजीनियरिंग कॉलेज भिलाई भी मौजूद रहे। वहीं इस कार्यक्रम में सभी उपस्थित एवं आमंत्रित सदस्यों का सम्मान भी किया गया और गीत नृत्य की प्रस्तुति के साथ इस कार्यक्रम को समाप्त किया गया। बता दें कि इस कार्यक्रम में आए हुए पत्रकार सदस्य और अतिथि गणों को पुरस्कृत भी किया गया है। हमारा मुख्य उद्देश्य है इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने का, वो है म्यूजिक थेरेपी, क्योंकि आजकल का जो समय, सब बच्चे काफी मोबाइल एडिक्शन में भी जा रहे हैं, तो हमारा जो मुख्य उद्देश्य है ऐसे प्रोग्राम्स करके, जो रेयर इंस्ट्रूमेंट्स है, जो किसी ने देखने माओ, अगर हम पहले बहुत 60s 70s 80s में बजाया करते थे, तो ऐसे इंस्ट्रूमेंट जो लुप्त हो गए उनको लाना। तो हमारा आरक्षा क्लब पिछले 15 सालों से काफी एक्टिव है, अलग अलग गार्डन में हम लोग प्रोग्राम्स करते हैं संडे के दिन, और ये काफी अच्छा प्रोग्राम होता है। तो इस तरह के रेयर प्रोग्राम्स जो इंस्ट्रूमेंट्स जो लुप्त हो रहे हैं उसका हम आगे लेके आए, ताकि ऐसे और इंस्ट्रूमेंट्स को और लोग भी जाने। और मैं तो ये भी अपील करूंगी कि जो पेरेंट्स होते हैं अपने बच्चों को जन्मदिन पर इस तरह के इंस्ट्रूमेंट देते हैं। बिल्कुल, म्यूजिकल थेरेपी जो होता है उससे बेटर थेरेपी कुछ भी नहीं होती है। एक म्यूजिकल थेरेपी, एक लाफ्टर थेरेपी। आप जैसे देखेंगे कि आजकल लोग फिल्म और सीरियल से ज़्यादा लोग कपिल शर्मा शो और जैसे ऐसे स्टैंड अप कॉमेडीज शो देखते हैं, और म्यूजिकल जो भी होते हैं जैसे इंडियन आइडल है, डांस इंडिया डांस है, उसके तरफ लोग जो है काफ़ी रुझान रखते हैं। और इससे जैसे कि मैडम ने बताया कि जो हैप्पीनेस हार्मोन होता है जिसको ऑक्सीटोसिन कहते हैं, वो रिलीज होता है। क्योंकि आप जैसे आप आइसक्रीम के बारे में सोच लीजिए या चॉकलेट के बारे में सोच लीजिए, तो आपके अंदर एक अलग से ऊर्जा आ जाती है। बस वैसा ही कुछ एक संगीत होता है जो कि हमारे को हमेशा स्वस्थ रखता है और बिल्कुल तरोताजा बनाए रखता है। धमतरी में भी पंचायत सचिव संघ विगत 16 मार्च से शासकीयकरण की मांग को लेकर आंदोलनरत है। पंचायत सचिव संघ की एक सूत्रीय मांग है कि परिवीक्षाधीन अवधि के बाद पंचायत सचिवों को शासकीय कर्मचारी का दर्जा दिया जाए, ताकि उन्हें भी आम सरकारी कर्मचारियों की तरह पेंशन, ग्रेच्युटी, जीपीएफ आदि का लाभ मिल सके। पंचायत सचिव संघ का आरोप है कि बजट से पहले जब पंचायत मंत्री से मिलने गए हुए थे, तो उन्होंने आश्वस्त किया था कि उनकी मांग बजट में शामिल की जाएगी, लेकिन बजट आने के बाद वे स्वयं को छला हुआ महसूस कर रहे हैं, लिहाजा वे पिछले 37 दिनों से आंदोलनरत हैं। और इसी को लेकर कल बाइक रैली निकालकर उन्होंने शासन प्रशासन का ध्यान अपनी मांग की ओर आकर्षित करने की कोशिश की। भूपेश सरकार से हमारी सिर्फ एक ही मांग है, जो कि हम 16 तारीख से कंटिन्यू काम बंद कलम हड़ताल में बैठे हुए हैं, और हमारा मांग है कि सिर्फ शासकीयकरण हमको जो है कर दिया जाए। एक सूत्री हमारा मांग है, और उस शासकीयकरण के अंतर्गत हमारे समस्त जो कार्य हैं वो निहित हैं हमको। और सबसे पहली बात कि जो कर्मचारी हैं, किसी का 1 साल, किसी का 2 साल रिटायरमेंट के लिए बाकी है, वो पूरी अपनी जीवन दे दिए हमारे पंचायत के कार्य में, गवर्नमेंट की प्रमुख योजनाओं के संचालन में उन्हें हमने पूरा सेवा कर दिया, लेकिन अभी तक उनको शासकीयकरण न मिलने से वो आगे की जिंदगी जब वृद्धावस्था है तो उनको कुछ नहीं मिलना है। और सरकार को भी इस विषय में सोचना चाहिए कि पंचायत जो है
समस्त योजनाओं की जड़ है और उसको ही वो कमजोर बना रहे हैं। अगर वो गवर्नमेंट को शासकीकरण कर देंगे तो हमें अन्य किसी और कार्य करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी अपनी भरण पोषण के लिए। उनके द्वारा दिए गए मानदेय पे हमारा जीवन यापन नहीं हो पाता तो हम अन्य और दूसरे तरीके से कार्य करने के लिए मजबूर होते हैं। यदि शासकीकरण हमारा कर दे तो क्या है, उनकी ही जड़ जो है बहुत मजबूत होगी और हम दोगुनी गति से कार्य कर पाएंगे। धमतरी नगर निगम में मंगलवार को सामान्य सभा की बैठक आहूत की गई थी। इसमें वार्षिक बजट और प्रश्नोत्तरी रखा गया था। बीजेपी दल के पार्षदों द्वारा प्रश्नकाल के दौरान भारी गहमागहमी देखी गई। हंगामे के बीच प्रश्नकाल की समाप्ति के बाद जब महापौर विजय देवांगन बजट भाषण शुरू कर रहे थे, इसी दौरान फिर से विपक्षी दलों ने जमकर हंगामा किया, जिससे नाराज होकर महापौर विजय देवांगन बजट 15 दिन बाद पेश करने की घोषणा कर सदन से बाहर चले गए। आज बजट पेश किया गया, 23-24 का बजट पेश किया गया था और कैसे निष्क्रियता दिखाते हुए महापौर जी सदन छोड़ के चले गए और अनुशासनहीनता की जाती है, व्यक्तिगत टिप्पणी की जाती है इनके पार्षदों के द्वारा। और जो बजट इससे पूर्व में पेश किया गया था 21-22 में, 22-23 में और जो 23-24 में कॉपी पेस्ट हुई है और आज सदन छोड़ के महापौर जी चले जाते हैं। क्यों बजट पेश नहीं किया जाता मैं इनसे पूछना चाहता हूं, क्योंकि इनके पास बहुमत नहीं है और आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। इनके द्वारा जो 22-23 में बजट पेश किया गया था, बहुमंजिला इमारत, ऑडिटोरियम, बालक चौक, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, सरोवर तरोवर, अन्य प्रकार की 56 घोषणाएं की गई थी, एक भी घोषणा आज तक पूरा नहीं किया गया। देखिए सबसे सीधा कारण है कि महापौर बजट पेश करने के लिए घबरा रहे हैं, क्योंकि आज उनके पास बहुमत का अभाव है, उसके पार्षद सब नाराज हैं, सब यहाँ कोई बैठक में आने को तैयार नहीं है। हमने लगातार आज 6 महीने से लगातार हम तैयारी कर रहे थे कि बैठक होगा, हम लोगों की समस्याओं को, शहर के विकास के बारे में चर्चा करेंगे, बहु प्रश्नोत्तरी का 1 घंटे का समय दिया। आपने उसको भी देखा है, सत्ता में बैठे लोग पूरे हमारे प्रश्नों को उत्तर देने के बजाय समय को बर्बाद किए, तार तार कर दिए। हमारे एक प्रश्न का उत्तर उन्होंने नहीं दे सका। भवन अब रुके आपने, आज जब उनके सभापति जब जवाब दे रहे थे तो उनको जवाब देने का सलीका पता नहीं है कि मैं क्या पूछ रहा हूँ, क्या लेके आया हूँ, उनके पास जवाब नहीं है। मैं आज आप सभी को बताना चाहता हूँ, आप सभी ने आज देखा है, और इसके पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे पार्षद साथियों ने आदरणीय सभापति जी से निवेदन किया था कि सदन में गरिमा बना के रखा जाए, लेकिन ये पार्षद लोग कोई बात को समझते नहीं है, पूरा शहर देखता है, पूरा शहर जानना चाहते हैं कि हमारे से क्या सवाल किया जा रहा है और हम उनका क्या जवाब दे रहे हैं, लेकिन ये केवल और केवल हल्ला गुल्ला करके, विशेष करके कैमरे में सामने आने के लिए इस प्रकार से सदन की गरिमा को तार तार करते हैं। महापौर जो बजट प्रस्तुत करने के लिए खड़ा हुआ है, महापौर का बजट सुनने के लिए तैयार नहीं है, तो ऐसे माहौल में हम कैसे बजट प्रस्तुत करें। तो मैं महापौर सभापति जी से निवेदन किया हूं और इसके पहले हमारे पार्षद लोग भी निवेदन किए हैं, फिर मैं निवेदन कर रहा हूं सभापति जी महोदय से आपके माध्यम से कि पहले सदन की गरिमा को बना के रखा जाए। कम से कम बजट प्रस्तुत कर रहे हैं, ठीक है बोलने दिया जाए, महापौर अगर बोल नहीं पाएगा तो बजट कैसे प्रस्तुत होगा। बिरनपुर में एक समुदाय के द्वारा भुवनेश्वर साहू की हत्या के बाद छत्तीसगढ़ बंद का आह्वान किया गया था। इस बीच बीजेपी के नेता पीड़ित परिवार से मिलने बिरनपुर जा रहे थे, जिन्हें सुरक्षा और शांति का हवाला देकर पुलिस ने रोक दिया। पुलिस के इस कदम से नाराज बीजेपी जनता युवा मोर्चा ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू का पुतला दहन कर विरोध जताया है। पुतला दहन के दौरान मीडिया से बात करते हुए युवा मोर्चा के नेताओं ने कहा कि हम ये पुतला दहन केवल घटना के विरोध में ही नहीं बल्कि छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा मुस्लिम तुष्टीकरण की अपनाई जा रही नीति के विरोध में भी कर रहे हैं। आज जो पुतला दहन किया गया, हमारे प्रदेश संगठन अध्यक्ष जी जनेत्रम जो घटना हुई है, उस घटना जिस परिवार में हुई है उस परिवार से मिलने जा रहे थे, उसे भूपेश बघेल की पुलिस उसे रोक कर अरेस्ट की है। ये कांग्रेस सरकार की तानाशाही रवैया है, इसको अब भाजपा वाले नहीं कहेंगे, प्रदेश तक इसकी लड़ाई लड़ेंगे। देखिए आज ये भ्रष्टाचार में जो लिप्त है कांग्रेस की सरकार, उनके मुखिया और गृह मंत्री जी का पुतला दहन किया गया। आज पूरे प्रदेश में गृह मंत्रालय नाम की कोई चीज नहीं है, आप लगातार देखेंगे। और कैसे सत्ता का दुरुपयोग किया जाता है और कैसे देशभक्तों को प्रताड़ित करने का काम लगातार ये कांग्रेस के सरकार के द्वारा किया जा रहा है। जो पत्थर फेंकते हैं उनको माला पहनाई जाती है और
जो देश के हित के लिए काम करते हैं उन्हें हथकड़ी पहनाई जाती है। और कुछ दिन पूर्व कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा देशभक्तों को प्रताड़ित कर मारा जाता है और बार बार ये कांग्रेस की सरकार में घटना घट रही है। और जो हमारे भाई साहू जी हैं, भुवनेश्वर साहू जी, वो शहीद हुए हैं, उन्होंने डटकर मुकाबला किया और उस वीर पुत्र से मिलने के लिए हमारे प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय अरुण साहू जी और भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष रवि भगत जी और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उनके परिवार से मिलने के लिए जाते हैं साझा विधानसभा में बेमित्रा जिले में, उन्हें 3 किलोमीटर पहले गिरफ्तार कर लिया जाता है। ये कहां तक उचित है? आज भारतीय जनता युवा मोर्चा के द्वारा प्रदेश नेतृत्व के आह्वान में भूपेश बघेल और गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू का पुतला दहन किया गया है। इसका मूल कारण ये है कि अभी धीरमपुर में जो घटना घटी है उसमें एक हिंदू भाई की निर्ध्वंस हत्या की गई है, समुदाय विशेष के लोगों में मुसलमानों के द्वारा, जिहादियों के द्वारा, जिहादी मानसिकता को दिखाते हुए उसको चाकू से गोद गोद के मारा गया है। और ऐसी घटनाएं छत्तीसगढ़ में आम हो चुकी है। कभी कवर्धा में भगवा ध्वज का अपमान किया जाता है, इसी धमतरी में सेंचुरी पार्क के पास उठा के रिसाई पारा में ले जाके बेरहमी से मारा जाता है हिंदू युवक को, और उसके पुलिस हाथ में हाथ धरी बैठी थी। रायगढ़ में भी प्रदेश सचिव संघ 16 मार्च से अपनी मांग को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर है। कल 27वें दिन प्रदेश सचिव संघ अपने धरना स्थल मिनी स्टेडियम से पैदल मार्च करते हुए एसडीएम कार्यालय पहुंचे, जहां पर एसडीएम गगन शर्मा को प्रदेश सचिव संघ रायगढ़ ने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है। आपको बता दें कि सचिवों के हड़ताल से पंचायत के काम अधर में लटके हुए हैं। रायगढ़ प्रदेश सचिव संघ का कहना है कि हमारी मांग बेहद जायज है, लगातार हमारे द्वारा प्रदर्शन और ज्ञापन के माध्यम से अपनी मांग से अवगत कराया जा रहा है, फिर भी सरकार ध्यान नहीं दे रही, जल्द सरकार उचित फैसला नहीं लेती है तो हम अपना आगे प्रदर्शन उग्र करेंगे। 16 तारीख से हम लोग सभी प्रदेश में सभी सचिव हड़ताल पर डटे हुए हैं अपना एक सूत्रीय मांग को लेकर, जिसमें एक ही मांग है हमारा शासकीयकरण, और शासकीयकरण के लिए ही हम लोग हड़ताल पर डटे हुए हैं। ज्ञापन किसके लिए? ज्ञापन अभी हम लोग ऐसा है कि हमारे राज्य की स्थिति को देखते हुए, हमारा तो प्रांत से आह्वान था बाइक रैली का, लेकिन हमें बाइक रैली की अनुमति नहीं मिली, हम लोग मिनी स्टेडियम से पैदल जाकर एसडीएम साहब को ज्ञापन दिए। एसडीएम साहब ने कहा कि आपकी जो मांग है, जो पत्र है, उसे मुख्यमंत्री महोदय तक उचित माध्यम से पहुंचा दिया जाएगा। सचिव संघ के द्वारा ज्ञापन सौंपा गया है और उनकी प्रमुख मांग ये है कि लंबे समय से वे शासन की सभी आवश्यक महत्वपूर्ण योजनाओं में वो कार्य करते आ रहे हैं और उन्हें इस प्रकार शासकीय सेवक का उनको दर्जा मिलना चाहिए, उनका जो वेतन पेमेंट है उसका निर्धारण होना चाहिए, ऐसे उनकी मांग है और मैंने उनको आश्वासन दिया है कि उसको उचित माध्यम से हम आगे बढ़ाएंगे। छत्तीसगढ़ प्रदेश में चुनाव से ठीक पहले राजनीति अपने उफान पर चली रही है। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच जमकर खींचतान मची हुई है। वहीं भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के सदस्यों द्वारा बेमित्रा में हुए सांप्रदायिक विवाद और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष को रोके जाने के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया गया। इस दौरान भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के सदस्यों की पुलिस के साथ नोकझोंक भी देखने को मिली है। पुराना बस स्टैंड चौक पर प्रदर्शन करने पहुंचे भारतीय जनता युवा मोर्चा के सदस्यों ने प्रदेश सरकार और मुख्यमंत्री पर तुष्टीकरण का आरोप लगाते हुए कहा कि बेमित्रा जिले के बिरानपुर गांव में भी वे सांप्रदायिक दंगे के बाद न तो सरकार के किसी मंत्री और न तो मुख्यमंत्री वहां पर पहुंचे, और जब भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वहां जा रहे थे तो उन्हें रोककर उनकी गिरफ्तारी की गई। ऐसे में साफ है कि प्रदेश की सरकार तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है। वहीं सांप्रदायिक हिंसा के बीच जान गंवाने वाले युवक को लेकर भी सरकार असंवेदनशीलता दिखा रही है। प्रदर्शन के दौरान भारतीय जनता युवा मोर्चा के सदस्य और पुलिस के बीच पुतला जलाने को लेकर जमकर छीना छपटी भी हुई। देखिए, आज राज्य सरकार के खिलाफ यहाँ पुतला दहन किया गया है, जिससे कि सभी को पता है कि छत्तीसगढ़ में भुवनेश्वर साहू हमारे हिंदू धर्म का था, जिसकी सरेआम हत्या कर दी गई है, उसके विरोध में आज हम सभी यहाँ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, युवा मोर्चा कार्यकर्ता पुतला दहन किए हैं। और इस राज्य सरकार, जिहादी सरकार के इस नरकामे को हम जनता तक पहुँचाने का काम आज पुतला दहन के काम किए हैं। रविंद्र चौबे जी ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी गंदी राजनीति करती है। अगर हिंदुत्व के न्याय
की लड़ाई लड़ना, एक 22 साल के युवा के हक की लड़ाई लड़ना और दोषियों को कार्रवाई देने के लिए अगर भारतीय जनता पार्टी सलग की लड़ाई लड़ती है, तो अगर उसे रविंद्र चौबे जी अगर गंदी राजनीति करते हैं तो हम उन चीजों को स्वीकार करते हैं, क्योंकि जब तक छत्तीसगढ़ में इंसाफ नहीं होगा भारतीय जनता पार्टी हमेशा उग्र आंदोलन करेगी। बड़े शर्म की बात है, देखिए वहाँ से वरिष्ठ मंत्री रविंद्र चौबे जी हैं, उसी संभाग से अपने मुख्यमंत्री जी आते हैं, लेकिन आज तक उनके द्वारा कोई बयान नहीं जारी किया गया और आज वो जो 10 लाख रुपए देने की घोषणा करते हैं, अति शर्म की बात है। मध्य प्रदेश में बीजेपी हमेशा से ही चुनाव में परिवारवाद के खिलाफ दिखाई देती है, लेकिन इस बार का मध्य प्रदेश का चुनाव बेहद दिलचस्प रहने वाला है। बता दें कि बीजेपी के कई दिग्गज नेता राजनीतिक उम्र के अंतिम पड़ाव पर हैं और वो चाहते हैं कि उनकी जगह पर उनके बच्चों को टिकट दिया जाए। आज जब बीजेपी के वरिष्ठ नेता पूर्व मंत्री और विधायक गौरीशंकर बिसेन से इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि नई पीढ़ी को मौका मिलना चाहिए, वो भी जब युवा थे तो उन्हें मौका दिया गया, इसलिए चुनाव में नई पीढ़ी को मौका दिया जाना चाहिए। मौका मिलना ही चाहिए। मैं जब 1977 में पहला चुनाव लड़ा और जब मुझे लोकसभा की टिकट देने की तैयारी चल रही थी तो मैं 24 साल कुछ मांगता था, वोटर लिस्ट में मेरा नाम 25 साल न होने से मुझे लोकसभा नहीं मिली, फिर विधानसभा के चुनाव आए तो मैं 25 साल का हो गया। मैं 25 साल से 13 विधानसभा और लोकसभा के चुनाव लड़ चुका हूं, तो नई पीढ़ी को क्यों नहीं मौका मिलना चाहिए। अब खबर गरियाबंद से है, जहां सिटी कोतवाली की टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए तेंदुए की खाल सहित 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मिली जानकारी के मुताबिक आरोपी कीटनाशक दवाई के जरिए प्यासी तेंदुए का शिकार कर रहा था। वहीं मुखबिर की सूचना पर गरियाबंद पुलिस ने क्राइम ब्रांच की सहायता से अपराधियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। तेंदुए के खाल को बेचने के फिराक में थे। ये जो तेंदुआ है, इन्होंने पीपरछेड़ी थाना क्षेत्र के जंगल में इन्होंने जहर देकर इसकी हत्या की थी और सिटी कोतवाली का जो बारू का जगह है वहाँ पर एक ग्राहक की तलाश कर रहे थे। उस दौरान हमारी स्पेशल टीम और थाना कोतवाली के जवानों द्वारा इनको गिरफ्तार किया गया। प्रदेश कांग्रेस कमेटी छत्तीसगढ़ किसान कांग्रेस के निर्देश के अनुसार आज सारगढ़ जिला मुख्यालय में बीजेपी के पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर का पुतला दहन किया गया। बता दें कि बीजेपी के पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने किसानों के विरोधी अभद्र टिप्पणी बयान दिया था, जिसको लेकर किसानों में आक्रोश देखने को मिल रहा। इसके विरोध में आज भारत माता चौक पर 50 की संख्या में मौजूद किसान कांग्रेस ने मंत्री का पुतला दहन किया है, साथ ही बीजेपी मुर्दाबाद के नारे भी यहां लगाए गए। वहीं सीएम भूपेश बघेल के द्वारा की गई घोषणाओं का व्यापक प्रचार प्रसार करने और जन जन तक संदेश पहुंचाने का भी संकल्प लिया गया। इस दौरान किसान कांग्रेस के प्रदेश महासचिव अरुण गुड्डू यादव, जिला अध्यक्ष दयाराम साहू आदि किसान कार्यकर्ता यहां मौजूद रहे। पूरे प्रदेश में किसान कांग्रेस कमेटी द्वारा पुतला दहन का कार्यक्रम किया जा रहा है, जिला स्तर, ब्लॉक स्तर और प्रदेश स्तर हर जगह किया जा रहा है। क्या हुआ है कि पूर्व में अजय चंद्राकर जो कुरुद के विधायक हैं और पूर्व मंत्री रह चुके हैं, उन्होंने भूपेश बघेल जी के जो घोषणा था 20 क्विंटल धान हम आगामी धान खरीदी के समय में लेंगे करके 20 क्विंटल धान लेंगे हम, तो ये भारतीय जनता पार्टी को पच नहीं पाया और उन्होंने किसान विरोधी बयान दिया। किसान विरोधी बयान में उन्होंने किसानों को तस्कर कहा, तो ये हम किसानों के लिए, स्वाभिमानी किसानों के लिए बहुत ही अपमानजनक शब्द हमें लगा और हमने फिर तय किया किसान कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ के कि हम अजय चंद्राकर का पुतला दहन। अब खबर भोपाल से है, जहां हमेशा से ही विंध्य प्रदेश की मांग करने वाले बीजेपी विधायक नारायण त्रिपाठी ने अपनी अलग पार्टी बना ली है, इससे बीजेपी की मुश्किलें बढ़ गई। इस पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष विष्णु दत्त शर्मा ने कहा कि अगर पार्टी का कोई विधायक, जिम्मेदार नेता ऐसा करता है तो संगठन उस पर जरूर निर्णय लेगा। चुनाव है, भारत का लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सबको अपने अपने अधिकार हैं, इसलिए अगर भारतीय जनता पार्टी का कोई विधायक है या कोई जिम्मेदार कार्यकर्ता है वो कुछ ऐसा करता है तो जरूरी उस पर हम जो
संगठन को जो आवश्यक निर्णय करने होंगे वो करेगा। नियमितीकरण की मांग को लेकर ग्राम पंचायत सचिव ने भारी संख्या में बिलासपुर कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां नियमितीकरण को लेकर ज्ञापन सौंपा गया, जहां सचिवों ने कहा कि सरकार की सभी महत्वपूर्ण योजना में सचिवों का पूरा योगदान रहता है, चाहे वो कोई भी योजना हो, नरवा, गरुआ, खुरवा, बाकी सभी महत्वपूर्ण योजना को सफल बनाने को में समस्त सचिव संघ का ही महत्वपूर्ण भूमिका रही, जिसके कारण छत्तीसगढ़ सरकार को सम्मान भी मिला है। उसके बाद भी नियमितीकरण के वादे को सरकार 4 साल में पूरा नहीं कर पाई है। ऐसे में सचिव संघ ने चेतावनी भी दी है, यदि हमारी मांगें पूरी नहीं की जाती तो आने वाले समय में आंदोलन उग्र किया जाएगा। खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही, नमस्कार।